नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज मैं अपने प्रोग्राम में बात कर रहा हूं पीएम मोदी की, साथ ही साथ बीजेपी के जो बागी नेता हैं उनकी। आपको मैं बता दूं कि आखिरकार जिस तरह से बीजेपी के बागी नेता एक के बाद एक अपना तेवर दिखा रहे हैं, एक के बाद अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं, तो ये पीएम मोदी के लिए अच्छी बात नहीं है। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और ऐसे में जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के अपने ही नेता, जी हां, पीएम मोदी पर निशाना साधने से चूक नहीं रहे हैं, तो इससे पीएम मोदी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि बीजेपी के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी, उन्होंने पत्रकारों के एक सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब पत्रकारों ने पूछा था कि मोदी सरकार को आप कितने नंबर देंगे, मुरली मनोहर जोशी ने बोला कॉपी में कुछ लिखा होगा तभी तो नंबर दिया जाएगा। यानी कि क्या मोदी सरकार ने चार साल तक जुबलेबाजी की है? क्या मोदी सरकार ने चार साल तक लोगों के साथ धोखा किया? बेरोजगार के नाम पर जिस तरह से युवा वर्गों के साथ धोखा किया गया है, किसानों के साथ जिस तरह से धोखा किया है मोदी सरकार ने, जिस तरह से व्यापारी वर्ग के साथ मोदी सरकार ने धोखा किया है, ये नजर आता है कि वाकई में मोदी सरकार ने चार साल में तो कुछ किया ही नहीं। चार साल में केवल और केवल हुई है जुमलेबाजी। चार साल में अगर कुछ हुआ है तो वो है एक दूसरी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप। चार साल में अगर कुछ हुआ है तो वो है अपनी मिट्टी बचाना। चार साल में अगर कुछ हुआ है तो वो ये हुआ है कि चुनाव जीतने के लिए कैसे वोटर्स को लुभाया जाए। जैसा कि मैं मुरली मनोहर जोशी की बात कर रहा हूं, तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने अपनी ही पार्टी और नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया। आपको मैं थोड़ी सी जानकारी ये भी दे दूं, ये पहला मौका नहीं है। मुरली मनोहर जोशी इससे पहले भी बीजेपी पर निशाना साध चुके हैं। हैरानी वाली बात तो यह है कि बीजेपी के कई बड़े बड़े दिग्गज नेता पीएम मोदी पर निशाना साधते हैं और इस वजह से बीजेपी मुश्किल में खड़ी रहती है। जब जाहिर सी बात है कि बीजेपी के अपने ही नेता पीएम मोदी के कामकाज से खुश नहीं है, मोदी सरकार से खुश नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि जनता कहां से मोदी सरकार से खुश होगी। यानी कि जो मोदी सरकार कहती थी कि हमारी जो पार्टी है सभी लोगों के लिए काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है, पार्टी के सभी कार्यकर्ता अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन जो अंदरूनी मामला देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से बीजेपी के अपने ही नेता बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं, इससे तो साफ यही नज़र आता है कि उनकी नाराज़गी इन्हीं वजहों के चलते हैं कि उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है मोदी सरकार में। चलिए मैं बता देता हूँ जो बताया गया है। देखिए, पार्टी और नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया और 20 मई को उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर सवाल किया गया था, जिस पर उन्होंने अटपटे जवाब दिए। पत्रकारों ने पूछा कि आप मोदी सरकार को कितने नंबर देंगे, तो वह जवाब में बोले कॉपी में कुछ लिखा होगा तभी तो नंबर दूंगा। यानी कि चार साल में कुछ काम नहीं किया मोदी सरकार ने। आपको बता दें, जोशी उत्तर प्रदेश के कानपुर से सांसद हैं। जी हां, मुरली मनोहर जोशी उत्तर प्रदेश के कानपुर से सांसद हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जोशी पार्टी के माने हुए नेताओं में गिने जाते थे। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि साल 2014 में मोदी सरकार के बनने के बाद से पार्टी में उनका पहला जैसा रुतबा नहीं रहा, यानी कि खत्म कर दिया गया। यह भी कहा जाता है उनकी पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से विचारधारा मेल ही नहीं खाती है। यह भी यहाँ पर इस तरह की बात बताई जाती है। जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ मुरली मनोहर जोशी की, तो पहला मौका नहीं है। जी हाँ, इससे पहले भी कई बार वो निशाना साध चुके हैं। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी वजह यह भी बताई जा रही है कि मुरली मनोहर जोशी का जो टिकट काटा गया है और साथ ही साथ तीन अन्य सदस्यों का भी बेटिकट होंगे, इस बात को लेकर भी मुरली मनोहर जोशी नाराज हैं। कानपुर मिशन 2019 के लिए भाजपा ने संभावित उम्मीदवारों की जीत में संभावनाओं को टटोलना शुरू कर दिया। इसी के साथ ही पार्टी में मौजूद सांसदों के कार्यकाल की समीक्षा के लिए निजी एजेंसी को काम सौंपा गया। एजेंसी ने पहले चरण का सर्वे पूरा कर लिया। सर्वे के मुताबिक चार क्षेत्रों में मौजूदा सांसदों के दोबारा निर्वाचित होने की संभावनाएं शून्य है।
ऐसे में पार्टी चारों स्थानों पर नए चेहरे उतारने का इरादा कर रही है, यानी कि मुरली मनोहर जोशी का भी टिकट काट दिया गया है। और वही मैं बात कर रहा था, शायद हो सकता है इस वजह से भी वो नाराज हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव नजदीक है, और लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, अब सोनिया गांधी, जी हाँ, सोनिया गांधी भी मैदान में उतर चुकी हैं। जो सोनिया गांधी, जिन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की साख को बचाने के लिए अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो है मिलकर रणनीति बना रहे हैं। तो वहीं अगर मैं बात कर रहा हूँ बीजेपी की, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि रणनीतिकार भी उन्हें कहा जाता है, और पीएम मोदी वो अलग रणनीति बना रहे हैं। यानी कि बीजेपी के जो है, कह सकता हूँ, पीएम मोदी और अमित शाह एक तरफ जो है रणनीति बना रहे हैं, तो वहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी अलग तरह की रणनीति बना रहे हैं। तो देखने वाली बात तो ये होगी कि आखिरकार किसकी रणनीति कितनी काम करती है, और आखिरकार किसकी रणनीति में कितना दम है। तो आपको मैं यहाँ पर और जानकारी दे देता हूँ थोड़ी सी मुरली मनोहर जोशी की। देखिए, मुरली मनोहर जोशी जो है बीते रविवार को मध्य प्रदेश के इंदौर में थे। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एनडीए सरकार के बनाए हुए नीति आयोग पर सवाल किया कि आखिरकार इसे आयोग नाम क्यों दिया गया है। इस तरह के सवाल उन्होंने कहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका नाम है, लेकिन किसी को नहीं पता यह करता क्या है या कौन सी योजनाएं बनाता है और किसके लिए काम करता है, यह भी साफ नहीं है। जिस तरह से मुरली मनोहर जोशी बीजेपी की नाक में दम कर रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि मुरली मनोहर जोशी जो है बीजेपी के लिए कहीं बड़ा रोड़ा ना बन जाए, और ऐसा ना हो कि मुरली मनोहर जोशी की वजह से ही जो है पीएम मोदी को लोकसभा चुनाव में झटका लगे। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि हो सकता है कि जिस तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मुरली मनोहर जोशी जिस तरह से आक्रामक रूप अपनाए हुए, क्या इसी बात को देखते हुए उन्हें मोदी सरकार, जी हाँ, पीएम मोदी जो है बाहर का रास्ता दिखा दे, क्या बीजेपी से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। मुरली मनोहर जोशी की जिस तरह की बातें वो कह रहे हैं, वो क्या इसी बात को देखते हुए मुरली मनोहर जोशी को पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा, ये भी एक सवाल सामने आ रहा है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि देखिए, जैसा कि अब 2019 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन जब 2014 में लोकसभा चुनाव हुए थे और जब बीजेपी सत्ता में आई थी, तो उस दौरान क्या नतीजे थे और किस पार्टी को कितना वोट मिला था, ये हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं 2014 की। जी हाँ, उस दौरान किस पार्टी को कितना वोट मिला था और कुल कितनी सीटें थी। देखिए, कुल 543 सीटें थी। जी हाँ, कुल 543 सीटें थी, जिनमें से एनडीए को 336, यूपीए को 60 और अन्य को 147। इस वक्त आप हमारे टीवी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं रिपोर्ट, वो रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार कैसे, किसको किसको कितनी सीटें मिली थी। देखिए, बीजेपी को 282 मिली थी, शिवसेना को 18 मिली थी, टीडीपी को 16 मिली थी, एलजेपी को 6, शिरोमणि अकाली दल को 4 सीटें मिली थी, आर एलएसपी को 3, अपना दल को 2, पीएमके को 1, एनपीएफ को 1, एनपीपी को 1 और स्वाभिमानी पक्ष को 1 और आईएनआरसी को 1। अब मैं बात कर लेता हूँ यूपीए को टोटल 60 जो है उनको मिला था, और देखिए कांग्रेस को 44, जो सारा आंकड़ा जोड़कर देखा जाए यूपीए को कुल 60 मिला था। देखिए, कांग्रेस को 44, एनसीपी को 6, आरजेडी को 4, जीएमएनए जे एम एम को 2, आईयूएमएलए को 2, केरल कांग्रेस 1 और आरएसपी 1, यानी कि ये जो पूरा जो हम बात कर रहे हैं, और इसको मिलाकर जो है यूपीए को 60 सीटें हुई थी। और देखिए, अन्य की अगर मैं बात करता तो अन्य का टोटल जो था वो 147 था, अगर सारा जो है इनको जोड़ कर देखा जाए। तो देखिए, AIADMK को 37, तृणमूल कांग्रेस को 34, बीजू जनता दल को 20, TRS को 11, CPM को 9, YSR कांग्रेस को 9, समाजवादी पार्टी को 5, आम आदमी पार्टी को 4, AIUDF को 3, JKPDP को 3, JDU को 2, JDS को 2, INLD को 2, CPIU को 1 और SDF को 1, और
एआईए एमआईएम को एक और निर्दलीय को तीन, तो ये हमने आपको पूरा रिपोर्ट बताया। तो देखिए ये 2014 की जानकारी हमने आपको दी। तो जिस तरह से अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, देखिए मुरली मनोहर जोशी ही नहीं, बीजेपी के कई बड़े और दिग्गज नेता हैं जो मोदी सरकार से खुश नहीं है, जो बीजेपी से खुश नहीं है, भले ही वो बीजेपी में मौजूद है। देखिए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जी हाँ केंद्रीय मंत्री उमा भारती और बीजेपी के कद्दावर नेता शत्रुघ्न सिन्हा भी इस लाइन में खड़े हैं जो बीजेपी से खुश नहीं। ऐसे तमाम नेता हैं, उमा भारती हैं और तमाम ऐसे नेता हैं जो बीजेपी से खुश नहीं है। उनको लगता है कि उन्हें सही ढंग से उनको कोई ना तो जगह दी गई और ना ही उनकी पूछ है। तो ऐसे में बीजेपी के अपने ही नेता जिस तरह से पीएम मोदी के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, जिस तरह से वो एकजुट, जिस तरह से वो कह सकते हैं कि अपनी बात रख रहे हैं और बीजेपी की आलोचना कर रहे हैं, तो ये भी जो है पीएम मोदी के लिए मुसीबत बन सकती है लोकसभा चुनाव में। और जैसा कि मुरली मनोहर जोशी की मैं बात कर रहा हूँ, मुरली मनोहर जोशी ने जिस तरह का बयान दिया है उसके बाद क्या पार्टी बड़ा फैसला ले लेगी, या पार्टी मुरली मनोहर जोशी को बाहर का रास्ता भी दिखा सकती है क्या, ये देखने वाली बात होगी। तो बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। Subscribe and press the bell icon for latest updates.